नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक का एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि एक शूटर पकड़ा गया है और इस शूटर ने, आपको जानकर हैरानी होगी, कि 5 लाख रुपए की सुपारी ली थी। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए हुए एक लंबा अरसा बीत चुका था और इसी केस में लगातार सीबीआई, एनसीबी और ना जाने कितनी जांच एजेंसियां छानबीन कर रही हैं और साथ ही साथ पुलिस अधिकारी भी लगातार इस केस में छानबीन करते हुए नजर आए थे। लेकिन इसी बीच एक बड़ा मुजरिम पकड़ा गया है सीधे सुशांत सिंह राजपूत केस से। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के भाई को गोली मारने वाले शूटर्स हो चुके हैं गिरफ्तार। 5 लाख रुपए में ली थी सुपारी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये शूटर वही हो सकते हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जी हां, आपको बता दें कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही एक बड़ी घटना घटित हुई थी और ये घटना सुशांत सिंह राजपूत के भाई के साथ हुई थी, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के भाई को गोली मार दी गई थी और यहां तक कि उनको खत्म करने की कोशिश की गई थी। आपको बता दें, बॉलीवुड के दिव्यंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के भाई को गोली मारने वाले अपराधी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बिहार के सहरसा में 30 जनवरी को सुशांत सिंह राजपूत के ममेरे भाई और मधेपुरा में यमहा मोटरसाइकिल शोरूम के मालिक राजकुमार सिंह और उनके एक कर्मचारी पर हमला किया गया था। बैजनाथ चौक के समीप मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने दोनों लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया था। सहरसा के एसपी लिपि सिंह की माने तो ये घटना जमीनी विवाद में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से जुड़ी हुई। ये सौदा 5 लाख रुपए में तय किया गया था। यमहा शोरूम मालिक राजकुमार सिंह के छोटे भाई और शहर के मशहूर व्यवसायी उमेश दालान के बीच पूर्व से जमीनी विवाद था। उमेश दालान ने विक्की चौबे नामक अपराधी को सुपारी दी थी, जिसमें अपराधी असफल रहे। बीते 30 जनवरी को अपराधियों ने राजकुमार सिंह और उनके एक कर्मचारी के ऊपर अचानक से हमला कर दिया। अपराधियों के सरेआम दोनों लोगों के ऊपर गोलीबारी करके उन्हें जख्मी कर दिया था। घटना के बाद पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की। जांच के दौरान जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसमें संदिग्ध लोगों को चिन्हित कर लिया गया। एसपी ने बताया कि उनके फोन के लोकेशन के आधार पर सूचना मिली कि सदर थाना क्षेत्र के तिवारी टोला स्थित कांड से जुड़े लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। पुलिस द्वारा छापेमारी की गई तो वहां से बिंदेश्वरी यादव नामक कुख्यात सहित 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया और फाइनली पुलिस वालों को एक बड़ी कामयाबी मिली। गिरफ्तार अपराधियों का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस इन लोगों से अब पूछताछ करने में पूरी तरह से जुट गई है। तो ये एक बहुत ही बड़ा और संगीन मामला देखने को मिल रहा है और फाइनली सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया कि एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली पर अटैक किया गया था, लेकिन पुलिस वालों ने इस केस को सॉल्व कर दिया है और मुजरिम पकड़े गए हैं। अब इनसे जब पूछताछ होगी तो जाकर के पता चलेगा कि इस केस में और भी अभी कौन से तार किससे लिंक हैं, क्योंकि आपको बता दें कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के भाई के साथ ये घटना घटित हुई है तो यकीनन ये कोई बहुत ही बड़ी खबर है और इससे आने वाले दिनों में सुशांत सिंह राजपूत केस से भी क्या इसका तार लिंक है, ये भी जानने की पुलिस वाले जरूर कोशिश करेंगे और अगर ऐसा होता है तो सुशांत सिंह राजपूत का केस इसी केस के जरिए सॉल्व हो सकता है। तो आपका इस बारे में जो कुछ भी कहना है जरा कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों केसों में कोई लिंक हो सकता है, क्या पुलिस वाले इसी अपराधी के जरिए सुशांत के केस को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।